हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कटहल के सब्जी और बनाने का बहुत ही स्वादिष्ट तरीका। इस सब्जी के आगे सारे नॉनवेज भी फेल है। ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगते हैं ना, आप अगर इस तरह से एक बार बना के खा लेते हैं तो आपको सारे नॉनवेज फेल लगने लगेंगे। तो गैस, ये रेसिपी अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताजे ताजे कटहल के सब्जी बनाने के लिए तो ताजे ताजे कटहल को तोड़ के लाना है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं लेके चलती हूँ कटहल के पेड़, कहाँ है मैं दिखाने जा रही हूँ। तो प्लीज गाइस, हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। हमारे जो बगीचे में कटहल के पेड़ है, मैं दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे बगान में कटहल का पेड़ है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा अच्छा ताजे ताजे लग रहा है। तो हम एक ताजे ताजे कटहल के सब्जी बनाने वाले हैं। कटहल को मैं लेके आ गई हूँ और एक पत्ते के ऊपर हमने रख दिए हैं। इसका दूध बहुत निकलता है, जमीन पे रख दिए पूरा दूध निकल रहा है, तो पत्ते के ऊपर रख दिए हैं। अब हमें कटहल को कट करना पड़ेगा। तो कटहल को कट करने से पहले आप जिसमें भी कट करेंगे उसमें पहले तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो बहुत चिपचिपा सा लगेगा। इसका जो खीर निकलता है, आई मीन दूध, वो बहुत चिपचिपा सा लगता है। अब हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और कटहल के जो बाहरी हिस्सा है उसे कट के हटा लेना है। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, कटहल को जब आप कट करेंगे उसे डायरेक्ट पानी में डाल दीजिएगा तो काला नहीं पड़ेंगे, नहीं तो बहुत जल्द काला पड़ जाता है। और एक बात है दोस्तों, कटहल के जो अंदर वाला भाग है उसको निकालना पड़ता है। बहुत लोग नहीं भी जानते हैं लेकिन उसको भी सब्जी बना देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बीज वाला भाग है इसको हटाना है। तो दोस्तों, सारे कटहल को हमने कट कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, सारे कटहल को हमने कट करके अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये ट्रांसफ़र कर देना है प्रेशर कुकर में। उसके बाद यहाँ पे हमें एक गिलास पानी ऐड करना है और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालना है और एक टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला देना है। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी आने के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि कटहल थोड़ा सा हार्ड होता है। प्रेशर कुकर में एक सीटी लगवा देने से सॉफ्ट हो जाता है। एक सीटी लगवा लिए हैं, अब हमें इसे उतार के रख देना है और जब तक गैस ना निकले तब तक इसे खोलना नहीं है। गैस निकल गया है और कटहल को हमें छानना है और छान के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इधर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल दिए हैं मस्टर्ड ऑयल और ऑयल में थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने से क्या होता है दोस्तों, इधर उधर छींटा नहीं लगता है। और उसके बाद एक कटहल को डाल के अच्छे से भून लेते हैं। जब आप कटहल को भूनेंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे भूनना है दोस्तों, बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, कटहल भुना हो गया है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा बढ़िया कलर हो गया है। अब हमें क्या करना है, निकाल के एक प्लेट में रखते जाना है। तो सारे कटहल को हमने निकाल लेते हैं दोस्तों। सारे कटहल को निकालने के बाद हमें आलू को फ्राई करना है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने आलू लिए हैं और बिना छिलके उतारे हमने लिए हैं और इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब हमें इसे भी भुनना है। आलू का बिना छिलका उतारे आप अगर सब्जी में डाल दीजिएगा उसका टेस्ट दोगुना बन जाता है दोस्तों। आलू को नमक और हल्दी इसमें डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। और एक कटहल में अगर आलू मिक्स करके बनाइएगा तो बहुत टेस्टी पाएंगे आप दोस्तों। लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के इसे ढक देते हैं और तब तक हम मसाला को तैयार कर लेते हैं। क्या क्या मसाला पड़ता है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे है कुछ खड़ा गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, यहाँ पे डाल देते हैं आप। अब इसे थोड़ा सा दरदर कूट लेते हैं, क्योंकि इसका दरदर कूटेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हमने कूट लिए हैं, देख रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। और इधर मेरा आलू भी भुना हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं।
इसी प्लेट में निकालेंगे। और यहाँ पे हमने लिए हैं अनियन को, हमने बारीक काट लिए हैं, और टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड कर देते हैं, और सबसे पहले डालेंगे तेजपत्ता और एक हरा गरम मसाला जो हमने दरदरा कूट लिए हैं। और एकदम फ्लेम लो रखना है अभी, नहीं तो ये जो खड़ा मसाला है जो जल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये स्लाइस कटी अनियन, और इसे लगातार चलाते जाना है और हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अनियन का, हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ये टमाटर। यहाँ पे हमने दो टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते जाना है और एकदम लो फ्लेम पे इसे रखना है दोस्तों। अब हमें मसाला को तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जो हमने कूट के रखे हैं दरदरा, इसी में अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून जीरा पाउडर और एक टीस्पून मिक्स मसाला पाउडर और एक टीस्पून चिकन मसाला। सब्जी में चिकन मसाला ज़रूर डालें दोस्तों, क्योंकि चिकन मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सारे मसालों को अब हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे लगातार इसे चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि उबलते समय भी हम इसमें ऐड किए थे, आलू में भी ऐड किए थे, मसाला में ऐड करना है। और हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अच्छे से भूनना है इसे, लगातार इसे चलाते जाना है ताकि मसाला लगे नहीं। और मीडियम फ्लेम पर रख के इसे अच्छे से भून लेना है, और तब तक भूनना है जब तक मसाला से तेल ना छोड़े, तब तक ये मसाला को भूनना है। मसाला भुना हो गया है दोस्तों, देख रहे हैं कितना अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कटहल और आलू जो हमने भून के रखे हैं, अच्छे से मिला देते हैं। और मिला के भी इसे 5 मिनट तक इसे ऐसे लगातार से चलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है। जब कटहल आलू अच्छे से भून जाए तो इसमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिला देना है। और उसके बाद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम करके इसे ढक के छोड़ देना है। अच्छे से मिला दिए हैं, ढक के छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो गया है, अब हमें इसे चेक करके देख लेना है, इसे चला लेना है अच्छे से। चलाने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए, और पानी डालने के बाद अच्छे से मिला देना है। और उसके बाद ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे छोड़ देना है कुक होने के लिए। अब हम चेक करके देख लेते हैं दोस्तों मेरा सब्जी कैसे बने हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो खाने में कितने टेस्टी आएगी बताइए। और आलू भी अच्छे से कुक हो गया है, देख रहे हैं बहुत अच्छे से कुक होकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। अब चाहे तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अभी सब्जी ठंडी हो गई है, अब हमें इसे निकाल लेना है बाउल में। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक मेरा कटहल का सब्जी आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।